हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए, आपके लिए लेकर आए हैं डिस्प्ले कनेक्टर V2B कनेक्टर का रिप्लेसमेंट का वीडियो। तो चलिए, आज अपने स्टूडेंट्स को सारी चीजें बताएंगे, तो आप भी ये चीजें देखिए। अगर आपको कुछ इसमें नया लगता है तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्प्ले कनेक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें बताइए? फ्लक्स पेस्ट, क्योंकि ये हमारा प्लास्टिक कंपोनेंट है, जलने का डर इसमें ज्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट की कंजूसी मत करिए, ठीक है? ज्यादा लग रहा है, लग जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना बोर्ड सेव करना है, प्लस कनेक्टर आराम से निकालना है। अब आपके पास ये रिपेयर होने तभी आएगा जब आपका इसका कनेक्टर खराब हो गया होगा। ऐसे आएगा क्या? नहीं आएगा। अब कभी मान लीजिए आपके पास कोई बोर्ड आया जो कि रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, ठीक है, आपको उसमें कनेक्टर लगाना है, आपके पास ब्रांड न्यू कनेक्टर नहीं है, तो आप क्या करोगे? मदरबोर्ड से निकाल कर ही तो लगाओगे। तो इसीलिए हम आपको वो तरीका बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पुराना कनेक्टर है वो मेल्ट ना हो। आप आराम से दूसरे बोर्ड से निकालिए और इसमें लगा लीजिए। लेकिन जिस बोर्ड में खराब आया है उसमें अगर आपको लगता है कि आप हीट करने से आसपास कोई कंपोनेंट जलने का या खराब होने का डर है, तो आप वहाँ पे भाई सीधी सी बात है, आप आयरन रख के उसको जला दीजिए, उससे साफ कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा, सही मदरबोर्ड में अगर आप उसको हीट करके निकालोगे, अगल बगल के कंपोनेंट भी तो हीट हो सकते हैं ना, और जिस बोर्ड से आप निकाल रहे हो, खराब मदरबोर्ड से तो निकाल के दूसरे में लगाओगे, उस खराब मदरबोर्ड में आपको अपना कनेक्टर बचाना है। आसपास कुछ जल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि वो तो खराब ऑलरेडी है ना पहले से। तो चलिए इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे आपका टेम्परेचर 300 से सवा 300 और एयर करीबन रहेगी 5 से 6, ठीक है? और आपको अपने SMD का हैंडल एक जगह पे होल्ड नहीं करना है। अगर आपने SMD का हैंडल एक जगह पे होल्ड किया तो क्या होगा? प्लास्टिक कंपोनेंट आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है? और इस कनेक्टर को आपको ट्वीजर की सहायता से उठाना नहीं है, स्लाइड करना है। उठाओगे तो वो प्लास्टिक है, हल्का से भी अगर इसका प्रेशर ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। हल्का हल्का टच करके देखते रहना है आपको। देखिए, आपका उसका शोल्डर मेल्ट होता दिखने लगा होगा, ये निकल आया। देखिए, आपको दिखा देते हैं। जब एक बार आपके मदरबोर्ड से ये निकल जाए उसके बाद आप इसको ट्वीजर से उठा सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत हल्के हाथों से। अभी देखिए, मैंने इसको साइड से पकड़ रखा है ना, बीच में नहीं पकड़ना है, बीच में पकड़ोगे तो टूट जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको हल्का से भी दबा दूंगा ना, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा आपका, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप चाहो लगाना वापस, तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अभी आपको नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ओके दिख रहे हैं, सभी के ऊपर हल्का हल्का एज दिख रहा है। एज का मतलब वहाँ पे शोल्डर अवेलेबल है, आपको यहाँ पे शोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ पे शोल्डर लगा हुआ है, आप इसी शोल्डर के ऊपर लगाना चाहोगे, तो पहली बात ये कंपनी का शोल्डर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको बहुत देर तक मदरबोर्ड पे हीटिंग करनी पड़ेगी, तो आप तो पहले तो उसका टेम्परेचर डाउन करो, ठीक है? तो टेम्परेचर डाउन करने से तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट लगाओ और PPD की सहायता से इसको क्लीन कर दो पूरा। देखिए, इसके पॉइंट पूरी तरीके से क्लीन हो गए। अब इसके ऊपर हमें शोल्डर की एक एज बनानी है जिससे कि हमारा कनेक्टर वहाँ पे कनेक्ट हो सके, ठीक है? अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो कनेक्टर कनेक्ट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तो थोड़ा सा PPD का इस्तेमाल करिए यहाँ पे, जैसे कि जो भाई PPD का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिए कि इस बॉक्स के अंदर आपको साइड में दिख रहा होगा PPD, जो कि हल्का सा फ्लक्स ज़्यादा है उसमें। इस आप देखिए, इस PPD के अंदर ना फ्लक्स पेस्ट ऑलरेडी पहले से मिक्स है। जब ही अब हम आपको आगे रिवॉल्विंग बताएंगे ना, तो आपको इसे ड्राई करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है उसे हटाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा फ्लक्स इसलिए हटाना पड़ेगा कि अगर आप वो फ्लक्स नहीं हटाओगे, जब आप हीट करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, मेल्ट होगा, तो PPD आपका फैलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमें रिबॉलिंग तो करनी नहीं है, तो फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको हल्का सा गीला लगाना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मैंने ज्यादा इसलिए लगाया है कि थोड़ा PPD तो आपकी आयरन पे चला जाएगा ना। अब देखिए, इसकी सारी बॉल्स बन गई, लेकिन मैंने कॉर्नर की बॉल नहीं बनाई है, उसका रीजन है, अगर आप कॉर्नर की बॉल्स इससे बनाओगे तो प्रॉब्लम यह आएगी कि आप जो कनेक्टर उसके ऊपर रखोगे ना, तो ज्यादा ऊपर आ जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है? अब पहले इसको एक बार हम लोग क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद 11 नंबर ब्लेड की सहायता से जो कॉर्नर्स की बॉल है आपकी, उनके ऊपर हल्का हल्का PPD लगाएंगे, बिल्कुल 2-4-10 बॉल है। देखिए, ध्यान दीजिएगा,
ये हो गया। अब यहाँ पे आप आयरन से इसको क्लीन कर दो या सिल्वर कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बॉस नहीं बनानी है। अब आपको वो कनेक्टर यहाँ पे वापस लगाना है पुराना वाला, क्योंकि हमने, अब आप यहाँ पे ये मान सकते हो ये जो कनेक्टर है दूसरे बोर्ड से निकाला हुआ कनेक्टर है, और ये जो बोर्ड है हमारा फ्रेश बोर्ड है जिसपे लगाना है, क्योंकि हमने तभी तो डिसोल्डिंग वायर से क्लीन किया था। अब इसके ऊपर आप फ्लक्स पेस्ट लगाइए, क्योंकि बिना फ्लक्स पेस्ट के तो ये लगेगा नहीं, लगेगा क्या। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टर डायरेक्ट आपको इसके ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे एयर आपको कम करनी है, करीबन 2.5 से 3 टेम्परेचर आपका वही रहेगा, और हैंड को आपको मूव करते रहना है, बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल नहीं कर लेना है। पहले आप इसको एक बार हीट करो कि आपका जो शोल्डर है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। शोल्डर मेल्ट हो गया, शाइन करने लगा। अब इसके ऊपर आप कनेक्टर रख के एडजस्ट करा लो, क्योंकि इतनी जल्दी आपकी इसकी जो हीटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। हल्का से फ्लक्स पेस्ट लगा लो और ट्वीज़र की सहायता से आपको इसे एडजस्ट करना है। अब आप थोड़ा से वेट करो इसके ठंडा होने का, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ब्रश से क्लीन करेंगे और देखेंगे इसके जो नीचे के सारे पॉइंट्स हैं वो अटैच हुए हैं या नहीं अटैच हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके नीचे के पॉइंट अटैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। हाँ भाई बताओ, अटैच हैं नहीं अटैच हैं, बोलो। और जूम करते हैं, अब देखो नहीं अटैच हैं, रुक जाओ देखते हैं ना, नहीं अटैच होंगे तो बताएंगे ना कैसे अटैच होंगे। ये देखो ये, अब अगर इसे अटैच करना है आपको, देखिए बहुत सारे नहीं अटैच हैं। इधर वाले देख लेते हैं, क्योंकि जो अटैच नहीं होगी पिन वो क्या होगी, ऐसे टच करने पे हिलेगी। कहने का मतलब ये है इस पे एक साइड की पिनें तो अटैच हैं, इस साइड की, उस साइड की नहीं अटैच हैं। तो अब आप यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंटेड आयरन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास पॉइंटेड आयरन नहीं है तो आप इस आयरन से भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, हल्के हाथों से करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाइए। हालांकि ज़्यादातर होता क्या है, आपका ये जो कनेक्टर है ये SMD की सहायता से लग जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। बाई चांस वाली बात है कि अगर आपके साथ ऐसा मिस हैपनिंग हो गई है तो आपको दोबारा करके देखना है, आयरन का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं इसको क्लीन करके, पॉइंट्स अटैच हुए हैं या नहीं अटैच हुए हैं, ठीक है। अगर इतना करने के बाद भी आपसे नहीं होता है तो उसका भी रास्ता है, आपके पास टूथपिक होनी चाहिए, ठीक है। टूथपिक से करेंगे क्या, हम लोग इसके ऊपर टूथपिक रख देंगे बीच में, बता रहे हैं किस जगह पे, टूथपिक है नहीं यहाँ पे, लेकिन हम आपको उसका कॉन्सेप्ट और तरीका बता देंगे कि करना कैसे है, तो आप लोग कर सकते हो वो तरीका। हाँ आप बताइए, आप कनेक्ट हैं प्रॉपर, बिल्कुल परफेक्ट। अगर अभी भी आपकी ये पॉइंट कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, तो आपको करना क्या है ये बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपकी इस साइड की नहीं कनेक्ट है, इस साइड के कनेक्ट हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई। ये देखिए ये तो मेटल की है, अगर आप इसको वहां पे रखोगे और हीट करोगे तो ये क्या होगा, प्लास्टिक में अंदर चला जाएगा। और उस जगह पे अगर आपके पास टूथपिक होगी, वो लकड़ी की होती है, उसे आपको इस जगह पे ऐसे रख लेना है, और रख के हल्का से नीचे का प्रेशर देना है और SMD से हीट करना है, क्योंकि ये लगा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या ये हल्का से उड़ गया है उस तरफ से, तो इधर की हमारी कनेक्ट हो गई, इस साइड की नहीं कनेक्ट हो पाई। अगर आप टूथपिक रखोगे तो इधर का हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ दब जाएगा, हीट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। आप एक तरीका ये भी अपना सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपका ये कनेक्टर हो गया जो कि थोड़ा इजी बैठता है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आप लोग आयरन चला सकते हो आराम से। कुछ कनेक्टर्स ऐसे आते हैं जिसमें आयरन चलाने के लिए आपके पास बिल्कुल बारीक वाली पॉइंटेड होनी ही चाहिए, बिना उसके आप उस पर आयरन नहीं चला सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक कनेक्टर आपको ये दिखेगा इस तरीके का, ये वाले कनेक्टर आपको काफी पुराने मॉडल्स में मिलेंगे, अब ये फिलहाल आते नहीं है, क्यों, इसको मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं, सेम तरीका है, कोई फर्क नहीं है, बस इसको क्या है निकालने या लगाने में प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ऊपर का ये पार्ट देख रहे हो, ये मेल्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है। ऐसा नहीं है पिछले बैच में या बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं हो जाता है ये, लेकिन इसका जलने का बहुत डर रहता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। और ये आपको हालांकि आप मिलेंगे नहीं, और आप लोग नई चीज़ सीखने आए हो ना कि पुराना जो आने नहीं वाला है, जो आने नहीं वाला क्या वो सीखोगे क्या,
अभी आज के टाइम जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं या 2-3 साल पुराने मॉडल्स हैं उसमें ये अब नहीं आता है, सब प्लग एंड प्ले आते हैं, ठीक है ना। ये दूसरे टाइप का प्रोडक्ट है जो कि अब नहीं मिलेगा देखने को।